गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्या आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स से जहाँ रख रही हैं नजर। गुड मॉर्निंग। पार्क होटल्स हाल ही में रजिस्ट्री थी कंपनी, इसके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। BLS ई सर्विसेज 50% एंकर लॉक इन की जो प्रक्रिया है वो आज एंड हो जाएगी। 30 दिन का एंकर लॉक इन था, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी। आज IPO मार्केट से RK स्वामी का IPO आज ओपन होते हुए दिखेगा। प्राइस बैंड है 270 से 278 रुपये। 50 शेयर्स का यहाँ पर लॉक इन है। 4 से 6 मार्च के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। 423 करोड़ की इसकी साइज है, जिसमें से 250 करोड़ का OFS है। फ्रेश इशू देखे तो 123 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए करीबन 190 करोड़ रुपए जुटाए। मुक्का प्रोटीन, जिसका आज आखिरी दिन है, डे टू तक करीबन 7.25 गुना ये IPO भरते हुए दिखा है। रिटेल में 10 गुना सब्सक्रिप्शन है, QIB में 2.25 गुना और NII में देखें तो आपको करीबन 6 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। खबरों में मोइल पर फोकस करना है। फरवरी महीने का अपडेट आया है, प्रोडक्शन डिटेल्स यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर मैगनीज ऑर का जो प्रोडक्शन है वो करीबन 15% पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आते हुए दिखा है। FY24 में फरवरी तक कुल प्रोडक्शन देखें तो 37% की ग्रोथ आपको यहां पर भी नजर आएगी। खबरों में NTPC, जहां पर बोर्ड ने कंपनी को पावर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए अब मंजूरी दे दी है। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो करीबन 17,200 करोड़ के आसपास की रहने की उम्मीद है। इन्फो एज पर भी फोकस करना है, क्योंकि कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन नौकरी डॉट कॉम और जो बाकी की ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर वापस लौट सकती है। ये जो प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ पर हटा दी गई थी, उसे अब सॉर्ट कर लिया गया। नज़ारा टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बोर्ड ने करीबन 28 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट करने को मंजूरी दे दिए। मौजूदा भाव से देखें तो करीबन 14% के प्रीमियम पर अलॉट किया जाएगा। 7 अलॉटीज को 250 करोड़ रुपए के शेयर्स यहां पे अलॉट करते हुए आपको दिखेगी कंपनी। पटेल इंजीनियरिंग, जहां पर तेलंगाना सरकार से कंपनी और उसके JV पार्टनर को करीबन 525 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर यहां पे मिला है और इस RCC प्रोजेक्ट वाला ये प्रोडक्ट जो ऑर्डर है इसे कंपनी को मिलते हुए नजर आया है। SJVN, जहां पे सब्सिडी को 200 मेगावाट गुजरात सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर मिला है। 2.66 प्रति यूनिट के टैरिफ यहां पे होगा और जो प्रोजेक्ट की साइज होगी, लागत होगी, वो करीबन 1100 करोड़ रुपए की रहेगी। स्वान एनर्जी, जहां पे सब्सिडी में पूरा 2206 करोड़ का कर्ज समय से पहले कंपनी ने लौटा दिया है, तो दिसंबर तक जो कर्ज है वो अब घट के करीबन 3817 करोड़ रुपए रह गया है, तो स्वान एनर्जी आज फिर से फोकस में आते हुए दिखेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहाँ पे कंपनी ने नॉर्थ बैंगलोर में 62 एकड़ की एक जगह खरीद ली है, जिसके लिए करार किया है। बुकिंग वैल्यू जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 5,000 करोड़ रुपए का है, तो ये भी फोकस में आते हुए दिखेगा। और लास्ट में फंड एक्शन में SJS एंटरप्राइजेज, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 3.5% शेयर का अधिग्रहण किया है, मार्केट से ये खरीदा है। पहले 17% की हिस्सेदारी थी, बढ़ के 20% पहुंच गई है। 29 फरवरी के दिन ओपन मार्केट के जरिए कंपनी ने शेयर खरीदे प्रमोटर्स ने।